हर पल बरसती है यहाँ, सिलसिला एक पल भी थमता नहीं। रहमतें हर पल बरसती है यहाँ, सिलसिला एक पल भी थमता नहीं। हर किसी को इस द्वार पर मिलता है सब कुछ, यहाँ से खाली हाथ कोई जाता नहीं। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन आप सभी का साई के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज साई की इस पावन नगरी में शिरडी परिक्रमा का आयोजन किया गया है। आज शिरडी के संपूर्ण वातावरण में भक्ति और उत्सव का अनूठा संगम अनुभव करने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि हम यहाँ से शिरडी परिक्रमा के सुंदर दृश्य आप तक पहुँचाएंगे, ताकि विश्व भर में फैले आप तमाम साईं भक्त भी इस परिक्रमा के नज़ारे देख सके और वर्चुअली आप इसमें शामिल भी हो सके। तो वही वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं संपूर्ण शिरडी परिक्रमा के इस बेहद ही खास वीडियो। सुबह 6 बजे शिरडी के खंडोबा मंदिर से हजारों साईं भक्तों और शिरडी वासियों की उपस्थिति में इस मंगलमय शिरडी परिक्रमा का आरंभ हुआ। इस परिक्रमा में स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों ने भी हिस्सा लिया। 14 किलोमीटर के इस पूरे परिक्रमा मार्ग पर चलकर भी हर एक साईं भक्त के चेहरे पर उत्साह दिख रहा था। मानो साईं के कृपा कटाक्ष की आभा से हर चेहरे पर दिव्यता दमक रही थी। संपूर्ण मार्ग में लोगों ने रंगोलियां बनाई थी, फूलों की खूब वर्षा की जा रही थी। ऐसा श्रद्धा भाव उमड़ रहा था, ऐसा दिव्य नज़ारा था, मानो हर चलने वाले पैरों के लिए रंग बिरंगे फूलों का मखमली कालीन बिछा हो। संपूर्ण परिक्रमा मार्ग में जगह जगह चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया था और वैद्यकीय सेवाओं की भी व्यवस्था रखी गई थी। शब्द कल्पद्रुम में कहा गया है कि देवता को उद्देश्य करके दक्षिणावर्त भ्रमण करना ही प्रदक्षिणा है। प्रगतम दक्षिणमिति प्रदक्षिणम के अनुसार दक्षिण भाग की ओर गति करते हुए संपूर्ण शिरडी नगरी को प्रदक्षिणा की गई। इसमें शिरडी तथा देश विदेशों से आए हुए करीब 20,000 साईं भक्तों ने शिरकत की। बड़े भाग्यशाली है वे लोग जिन्हें ऐसे पावन अवसर पर जगत नियंता श्री साईं बाबा की पुण्य नगरी शिरडी की परिक्रमा करके अपने आत्मिक उत्थान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोई साईं का नाम जप रहा था, कोई भजन गा रहा था, तो कोई तन मन की सुधी खोकर साईं के भजनों पर नृत्य कर रहा था। क्या बड़ा क्या छोटा, हर एक व्यक्ति साईं भक्ति के इस अनूठे उत्सव में स्वर्गीय सुख की अनुभूति कर रहा था। परिक्रमा पूर्णत्व की ओर जाते हुए संस्थान के परायण मंडप में पहुंची, तो वहां संस्थान की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री बानाइत जी ने सभी का स्वागत किया।
और अंत में शिरडी माझे पंढरपुर इस आरती के साथ यह शिरडी परिक्रमा संपन्न हुई। परिक्रमा में सम्मिलित हुए सभी साईं भक्तों के लिए संस्थान ने साईं समाधि मंदिर में विशेष दर्शन व्यवस्था भी उपलब्ध कराई थी। शिरडी परिक्रमा पूर्ण करके हम खुद बड़ा कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। शिरडी परिक्रमा के ये दृश्य आप तक पहुंचाने का हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और साईं के दीवाने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साईं राम।